नववर्ष की पार्श्वभूमि पर गढ़चिरौली पुलिस दल को सफलता मिली। आज जहाल मनवादियों ने आत्मसमर्पण किया में माओवादियों का हुआ खात्मा। साथ ही हिंसावार के जीवन से परेशान होकर वरिष्ठ माओवादियों के साथ अनेक जहाल माओवादियों ने इस वर्ष में गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया है। उसी के साथ आत्मसमर्पित माओवादियों के पुलिस दल ने पुनर्वसन करा लेने से माओवादी गोठा की संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 27 लाख रुपए इनाम के कुल 5 जहाल नक्सलवादियों ने पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली शैलेश बलकदडे इनके सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। अजय उर्फ मने सिंह फागुराम कुड़ियामी यह माओवादी अप्रैल 2007 में टीपाड़ दलम सदस्य पद पर भर्ती हुआ। जुलाई 2016 से आज तक प्लाटून क्रमांक 3 में उप कमांडर पद पर कार्यरत था। उस पर गुन्हे दाखिल है। उस पर 5,50,000 रुपए का इनाम जाहिर किया था। राजू उर्फ गंगा उर्फ शकी कला सोमजी तुलावी यह 26 वर्ष उम्र की माओवादी है। वह 2008 में टीपागढ़ दलम में सदस्य के तौर पर भर्ती हुई। जुलाई 2015 से आज तक वह प्लाटून क्रमांक 3 में सदस्य पद पर कार्यरत थी। उस पर गुन्हे दाखिल है। 5 लाख रुपए का इनाम शासन ने उस पर जाहिर किया था। सपना उर्फ रुहमा दोनों बड्डे उम्र 27 दया की जाहल माओवादी होकर अक्टूबर 2006 में चांदगांव दलम के सदस्य पद पर रही। दिसंबर 2011 तक धानोरा दलम में कार्यरत थी। उस पर जनवरी 2012 से वह आज तक प्लाटून क्रमांक 95 में सदस्य पद पर कार्यरत थी। उस पर गुन्हे दाखिल है। उस पर 5 लाख सफियादे पर जाहिर किए थे। गुबनी उर्फ बेहरी उर्फ वसंती मनकेर मड़ावी यह उम्र 31 माओवाटी है। दिसंबर 2007 को टीपागढ़ टलम के सदस्य पद पर भर्ती होकर कार्यरत रहते। 2013 माय टीपागढ़ दलम के PECM पद पर पदोन्नति दी, जिसके बाद वह 2015 से आज तक कंपनी क्रमांक 10 पे सदस्य पद पर कार्यरत थी। उस पर गुन्हे दाखिल है। 5,72,000 रुपए का इनाम शासन ने उस पर जाहिर किया था। सुनील उर्फ फूल सिंह सुजान होड़ी उम्र 38 माओवादी है। जुलाई 2008 में टीपागढ़ दलम में सदस्य पद पर भर्ती होकर फरवरी 2013 से आज तक कंपनी क्रमांक 10वें सदस्य पद पर कार्यरत था। उस पर गुन्हे दाखिल है। शासन ने उस पर 5,75,000 रुपए का इनाम जाहिर किया था। गढ़चिरौली पुलिस दल ने सातत्यपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान सफलतापूर्वक चलाने से उसी के साथ आंध्रिक विधानसभा चुनाव 2019 और सार्वत्रिक लोकसभा चुनाव 2019 में नक्सलवादियों पर वशक रखते कहीं भी कोई भी अनुचित घटना न होने देते की सफल कामगिरी से माओवादियों का मनोबल दासक के शाम सहायता मिली। नागरिक वृद्धि शाखा की ओर से गढ़चिरौली पुलिस ने जिले भर में आदिवासी बांधों के लिए जन जागरण सम्मेलन शांति सम्मेलन ग्राम भेटी ग्राम भेंट साथ ही नवजीवन योजना अंतर्गत जो युवक युवती नक्सल में भर्ती हुए हैं उनके घर पुलिस ने जाकर उन्हें सुखी जीवन का महत्व बताया और नक्सल रिश्तेदारों के लिए दी सहायता और आयोजित किए पिकनिक से उनके मन में पुलिस दल पर निर्माण हुआ विश्वास। इसी का परिणाम इस वर्ष में 1,80,00,000 रुपए इनाम के 34 जहाल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें इतिहास में पहली बार चांदगांव दलम कमांडर के साथ संपूर्ण चांदगांव दलम ने आत्मसमर्पण किया है। आदिवासी इलाके की जनता की ओर से नक्सलवादियों को मिलने वाला अल्प प्रतिसाद, नक्सलवादी आदिवासी छोटे लड़के लड़कियां इनका छल करते उनका नक्सली कार्रवाई के लिए करा लेने वाला इस्तेमाल, वरिष्ठ नक्सलवादी अपने परिवार के साथ रहते हमने सालों साल आपदा स्वकीयों से दूर रहकर इस नरक जीवन को त्रस्त होकर सुखी जीवन की कामना करते आत्मसमर्पित माओवादियों ने स्पष्ट किया। इसमें उन्होंने दलम के अन्य माओवादी ने भी हिंसाचार का मार्ग छोड़कर आदिवासी बांधों पर किए जा रहे अनुचित अत्याचार रोककर अपने इलाके का भी अन्य उन्नत समाज की तरह विकास होने की दृष्टि से विकास के मूल प्रभाव में आने के लिए आत्मसमर्पण योजना का फायदा लेते विकास के मूल प्रभाव में आए इस बारे में आह्वान किया। गढ़चिरौली पुलिस दल ने प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान चलाने से सन 2019 में आज तक कुल 34 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया होकर इसमें
तीन डीवीसी, दो दलम कमांडर, दो दलम उप कमांडर, 26 सदस्य, एक जन मिलिशिया इनका समावेश है। तो सन 2005 से आज तक कुल 638 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो 22 माओवादियों को गिरफ्तार करने पुलिस को सफलता मिली है। इसमें DKSZC मेंबर, दो दलम कमांडर, एक सदस्य, चार पार्टी मेंबर, दो समर्थक, 13 इनका समावेश है। विकास कामों को रोकने वाले माओवादियों पर पुलिस दल ने सक्षमता से कार्रवाई करने तत्पर होकर जो माओवादी विकास के प्रवाह में शामिल होने इच्छुक होंगे उन्हें विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, साथ ही लोकशाही के सम्मान के जीवन जीने के लिए गढ़चिरौली पुलिस दल सहायता करेगा, ऐसा आह्वान पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली शैलेश बलकवड़े ने किया है। वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी पोलीस गडचिरोली पोलीस दलांसमोर 49 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक दलम कमांडरसुद्धा आहे आणि या वर्षामध्ये एकूण आत्तापर्यंत 34 जणांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि आजच्या आत्मसमर्पण करणाऱ्या लोकांवरती 5 जणांवरती 27 लाखाचं बक्षीसुद्धा आहे। एकूण या वर्षभरात किती लोकांनी, म्हणजे किती नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं? 34 नक्षलवाद्यांनी पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण केलेलं आहे। ज्याच्यामध्ये 3 त्यांचे डिव्हिजनल कमिटी रँकचे त्यांचे काडर, त्याच्यानंतर 2 दलम कमांडर, 2 दलम उप कमांडर आणि बाकी 27 त्यांचे दलम सदस्य असे सर्वांनी पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण। 19 या वर्षामध्ये एकतर पोलीस दलाला जे गडचिरोलीमध्ये नक्षलचं जे सर्वात सिनियर काडर जे होतं नर्मदा, तिला अटक करण्यामध्ये पोलीस दलाला यश मिळालं आणि स्पेशल झोनल कमिटी मेंबर रँकचे 2 लोकांना अटक झाली। टोटल 22 नक्षलवादी अटक झाले, 9 नक्षलवादी वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये ठार झाले आणि 39 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं। अशा प्रकारे टोटल 63 जणांचं पोलीस नक्षलवाद्यांना वेगळ्या प्रकारे अरेस्ट, आत्मसमर्पण किंवा अटक या प्रकारे निरस्त करण्यामध्ये पोलीस दलाला यश आज मिळालेलं आहे या वर्षामध्ये। यासोबतच 19 2 लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका यशस्वी करण्यामध्ये सुद्धा पोलीस दलाला यश मिळालं। 25 वर्षांनंतर कुठल्याही प्रकारचं पोलिसांचं नुकसान न होता या निवडणुका यशस्वी झाल्या। 2020 सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे अभियाना थ्रू पोलीस दलाचा प्रयत्न राहणार आहे की आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई ही अशा प्रकारे सुरू राहील आणि ज्याच्यामध्ये या भागातून गडचिरोली जिल्ह्यातून नक्षलवादाला हद्दपार करण्यामध्ये पोलिस दलाचा प्रयत्न